सर क्या कहेंगे, जिस तरह से सांसद मामा ने जिस तरह से कल जो बयान दिया मीडिया से बातचीत की, जिस तरह से राष्ट्रवादी की सीट मांगी सचिन से और कांग्रेस को एक तरह से उन्होंने पीछे की तरफ धकेलते हुए कहा, आपका क्या मानना है कांग्रेस के ऊपर जिस तरह से हमला बोला? नहीं, मेरा मानना तो ये है कि मामा ने ये जो कांग्रेस के ऊपर जनाधार को लेके बात कही है वो सरासर गलत है। सबसे पहले तो मामा को ये समझना चाहिए कि आज भिवंडी लोकसभा के अंदर कांग्रेस का जनाधार है, पूरे लोकसभा के अंदर ये सभी लोकसभा के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और खास तौर से भिवंडी शहर जो ईस्ट और वेस्ट है वो कांग्रेस का ही है, इतिहास रहा है। ये इंडिया एलायंस की गठबंधन की वजह से सीट शेयरिंग में राष्ट्रवादी को ये सीट चली गई, उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान है तो वो कांग्रेस का है, ये मामा को मानना चाहिए। और मेरा मानना है कि मामा को ये बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि आज भिवंडी लोकसभा से अगर चुन के आए हैं तो उसमें कांग्रेस का बड़ा योगदान है, समाजवादी का बड़ा योगदान है, सेना का बड़ा योगदान है, तो सबसे पहले तो उनको भिवंडी शहर के हित में काम की बात करना चाहिए, ना कि राष्ट्रवादी को बढ़ाने की बात करना चाहिए या कि दावेदारी ठोकना चाहिए। दावेदारी ठोकने से हमको इनकार नहीं है, इनकार सिर्फ इस बात से है कि उन्होंने जो बोला कि 2009 से लेके आज तक भिवंडी शहर में कोई कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं रहा, तो 99 में रशीद ताहिर चुन के आए थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर थोड़ी मोड़ी कमियां हैं, रनिंग कैंडिडेट की भी टिकट काट देते हैं क्योंकि मिसगाइड करने वाले बहुत सारे लोग, मिसगाइड करने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसी वजह से 2004 में हो सकता हार गया। एमपी का इलेक्शन 2009 का सुरेश सावरे चुन के आए, आप सबके मालूमात में है। 2014 में उनकी टिकट काट दी गई, और 2014 में देश के अंदर एक लहर चल रही थी, पूरे देश में अच्छे अच्छे लोग हार गए, भिवंडी शहर में कोई हार गया तो नई बात नहीं है, और 2019 में भी वही हुआ, उसके बावजूद भी सुरेश टावरे ने 2,75,000 वोट लिए कांग्रेस से, पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अगर वोट किसी को मिली है तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट को मिली है 2019 के एमपी के इलेक्शन में। ये मामा को ध्यान देना चाहिए और मामा को इस पे समझना चाहिए, शहर के अंदर कांग्रेस का ही जनाधार है। 2009 में, 2004 में, 2004 में जब शोएब गुड्डू इलेक्शन लड़े थे, उस टाइम एनसीपी का भी कैंडिडेट खड़ा हुआ था, उस टाइम एनसीपी के कैंडिडेट रशीद ताहिर थे, मेरा ख्याल है उन्होंने 16,000-31,000 वोट काटे, और शोएब को कितना वोट मिली थी, 39। तो जनाधार किसका है, एनसीपी का है कि कांग्रेस का है, ये सब डिटेल देखना चाहिए और समझना चाहिए, फिर बयान देना चाहिए। और शहर मैं तो बोलूंगा कि मामा को जो भिवंडी शहर की जनता से वादा किए हैं अनेक वादे, उसके ऊपर विचार करके वो काम करना चाहिए, टाइम जाते देर नहीं लगता है, ये भिवंडी की जनता है, अगर आपने काम नहीं किया है तो ये जनता लाना जानती है तो जनता निकाल के फेंकना भी जानती है, ये समझने की जरूरत है। कांग्रेस के ऊपर ब्लेम मत करो, कांग्रेस की देन है जिसकी वजह से आप आज यहां पे चुन के आए हो, तो ये मानना चाहिए। दूसरी बात, शहर के अंदर अनेक पार्टियां हैं, जिसका मन चाहता है वो वहां जाता है, अगर मेरी तरफ मेरी पार्टी में कोई आ रहा है तो उससे पारेज क्यों है, क्यों जलिस हो रही है अंदर से,
वो नहीं होनी चाहिए। आज विलासहार पार्टी अगर पार्टी के अंदर शामिल हो रहे तो उससे आपको दर्द क्यों है? एक हमाम में सब नंगे हैं, कोई सच्चा नहीं है। अगर विलास आर पाटिल ने राज कांग्रेस के 18 नगर सेवक को ले जाके महापौर बनाया है तो वो आज जो भागे हुए नगर सेवक है उनको शरण किसने दिया है, आश्वासन किसने दिया है, आज वो कौन सी पार्टी में है? आज भिवंडी शहर की राष्ट्रवादी आप देख लो कि उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो कौन लोग बैठे हैं, जो आज राष्ट्रवादी चला रहे भिवंडी शहर के अंदर वो कौन लोग हैं? अरे सब कांग्रेस से निकाले हुए लोग हैं। आपके पास तो आदमी नहीं है, तुम्हारे अपने बनाए हुए तो आदमी नहीं है, इसलिए यहां वहां से खींच रहे हो, जो आ रहा है उसको उठा के डाल रहे हो। 1999 से गठबंधन चल रहा है, कहीं ना कहीं पवार साहब कांग्रेस के एक हिस्सा है, उनको मैं बहुत मानता हूं, वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। जब से लेके आज तक मैं ये समझता हूं कि अगर कांग्रेस से निकल के बंडखोरी करके कोई जाता है तो राष्ट्रवादी को स्वीकार नहीं करना चाहिए उसको, लेकिन राष्ट्रवादी उनको गले लगा रही है। इसका मतलब है कि पीठ पे छुरा मारने का अगर कोई काम कर रहा है तो एनसीपी कर रही है। इसको कांग्रेस के सीनियर लीडर को समझने की जरूरत है और भिवंडी शहर के जो लीडर है उनको भी समझने की जरूरत है और समझाने की भी जरूरत है कि इस तरीके से तोड़ फोड़ की राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं की। से जो टिकट मांगने की उन्होंने बात कही राष्ट्रवादी को लिए, उसके बारे में क्या कहना है? इस तरह से ये बड़ी लड़ाई जो चुनावी माहौल चल रहा है, मांगने का अधिकार है, मांगना चाहिए। मैं मांगने के लिए ये बाइट नहीं दे रहा हूं। उन्होंने जो ये बात कही है वो कांग्रेस बर्दाश्त कतई करेगी नहीं और भिवंडी की जनता भी नहीं करेगी। जो वायदे किए हैं भिवंडी शहर के लिए तोरण को लेके और बहुत सारे वायदे है, उस वायदे पे मामा खरा उतरना चाहिए और वो काम करके देना चाहिए ताकि आने वाले समय में जब इलेक्शन आए तो आपको भिवंडी शहर के लोग कंधे पे लेके घूमना चाहिए। मुस्लिम बाहुल्य मतदार संघ भिवंडी पूर्व भिवंडी पश्चिम आणि जे भिवंडी ग्रामीण आपण कुठल्या मतदार संघावरती दावा करता कारण ज्या पद्धतीने आता नुकताच काँग्रेसमध्ये माजी महापौर विलासराव पाटील यांनी काँग्रेस पक्षात पक्ष प्रवेश केला बघा। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार आम्ही या पक्षाच्या वतीनं 3 जागांची मागणी करतोय। मुरबाडचा विषय आहे, शहापूर आहे आणि भिवंडी पश्चिम आहे। जसं भिवंडी पश्चिमवर किंवा भिवंडी लोकसभेवर काँग्रेसचा दावा होता याच्या अगोदर आपण पाहिलं असेल 10 वर्ष त्यांच्या उमेदवारांना नाकारल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार या पक्षाच्या वतीने मला उमेदवारी दिली गेली आणि महाविकास आघाडीच्या खात्यात ही एक जागा ही प्लस झाली। खरं म्हटलं तर आपण दोन जो काँग्रेसचा दावा आहे की मुस्लिम समाज हा आमच्यासोबत आहे, मी लोकसभेच्या अगोदर देखील बोललो होतो, आजही सांगतो, मुस्लिम समाज हा काँग्रेससोबत नाही, मुस्लिम समाज हा महाविकास आघाडीसोबत आहे। जर तो काँग्रेससोबत असता तर 2004 2009 2014 2019 तुम्ही सगळ्या विधानसभेचे निकाल पहा, कधीही विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला मुस्लिम समाजानं किंवा भिवंडीतील पश्चिमेतील मतदारानं कधीही स्वीकारलं नाही। या उलट इथं समाजवादी पार्टीचे जेव्हा रशीद ताईब समाजवादी पार्टीकडून उभे होते तेव्हा ते निवडून आले होते। पूर्वेला आपण पाहिलं असेल अबू आसिम आझमी निवडून आले, आज रईस शेख निवडून आले, परंतु कधीही एवढ्या वर्षात काँग्रेसला मुस्लिम समाजाने स्वीकारलं नाही आणि ही सत्यता आहे। मुस्लिम समाज हा
आघाडीच्या बाजूने आणि आता महाविकास आघाडीच्या बाजूने भक्कमपणे उभा आहे, परंतु विधानसभेसाठी त्यांनी कधीही स्वीकारलं नाही आणि म्हणून यावेळेस या विधानसभेवर आमचा दावा आहे. आणि ज्या विलास पाटीलनं प्रवेश घेतला आपण पाहिलं असेल, काँग्रेस पक्ष संपवण्यात विलास पाटलांचा सिंहाचा वाटा आहे. ज्यावेळेस भिवंडीत 90 नगरसेवकांमधून 47 नगरसेवक हे काँग्रेसचे होते, त्यावेळेस 12 नगरसेवक शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला होता आणि त्यावेळेस विलास पाटलांनीच काँग्रेसचे 18 नगरसेवक फोडले आणि भाजपाला सोबत घेऊन ते महापौर बनले. विलास पाटलांचा तुम्ही इतिहास बघितला, 2009 देखील जेव्हा लोकसभा निवडणूक झाली, ज्यावेळेस असं वाटत होतं की काँग्रेसचं पारडं जड आहे, त्यावेळेस विलास पाटलांनी समाजवादी पक्षातून स्वतःच्या वडिलांना अपक्ष म्हणून उभं केलं आणि स्वतःच्या वडिलांना समाजवादी पक्षातून उभं केलं. 2014 भाजपाला जाहीररित्या पाठिंबा दिला, 2019 भाजपाच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला, विधानसभेला देखील भाजपाचं काम केलं आणि आत्ता ते काँग्रेसमध्ये दाखल झालेलं आहे. काँग्रेसवाल्यांना काय साध्य करायचं मला कल्पना नाही, परंतु ज्या 18 नगरसेवकांना तुम्ही डिस्क्वालिफाय करण्यासाठी सगळे प्रयत्न केले आणि त्यांना केलं देखील, पण हे सगळं ज्यांनी घडवलं त्यांना आज तुम्ही पक्षात घेता हे लक्षात ठेवा. ह्या अगोदर संतोष शेट्टीने देखील पक्षात घेतलं होतं, डे वन घेऊन उमेदवारी दिली, लगेच उमेदवारी दिली, ठीक आहे ते पडले, त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ते भाजपात दाखल झाले. विलास पाटलांचं देखील काही नवीन नाही आणि म्हणून जरी तसं असलं तरीसुद्धा अनेकांनी मला सांगितलं का विलास पाटील इच्छुक आहेत, खरं म्हटलं तर माझा पूर्ण विश्वास आहे. ज्या 4 निवडणुकीचा निकाल बघितला 20 वर्षाचा, तर ही सीट 100% राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार या पक्षाला आम्ही घेणार आणि त्या जागेवर आमचा 100% अधिकार आहे.